खैर मकदम करता हूँ मैं इस प्रोग्राम में। राजस्थानी का ये सत्र मैं शुरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। हमारे पैनलिस्ट में मेरे पास बिराजे हुए हैं बुलाकी शर्मा साहब, बुलाकी कल्ला साहब, बीकानेर से हैं आप। आपके नाम पर ढेर सारी किताबें हैं, 9 किताबें तो मैं कल ही देख रहा था, जिसमें बाल साहित्य भी है, कहानियाँ भी है, और ख़ास करके व्यंग जो भारतीय भाषाओं में लिखा जाता है, उस पैरेलल उसका आपका व्यंग का काम है। आपको अकादमी से पुरस्कार मिल चुका है, राज्य अकादमी ने आपको पुरस्कृत किया है, और भी बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं। मैं हमेशा एडमायर करता हूँ आपको सिर्फ इस बात के लिए कि लेखा जैसी नौकरी में, जिसमें कि लाभ और हानि के अलावा कुछ नहीं लिखा जाता है, कोई साहित्य कैसे लिखता है। बुलाकी शर्मा साहब का, कोल्ला साहब का मैं वेलकम करता हूँ। दूजी पैनलिस्ट जो है आप कने बैठी रीना मैनारिया जी, आप उदयपुर से हैं और आप रो काम पद्य गद्य रामायण बहुत है, आप रो कहानी संग्रह तकदीरा आँख, आप रो उपन्यास पोतीवार, और आप रो एक कहानी संग्रह घीरा दिवला, ये बहुत फेमस रिया है और आप बहुत उम्दा लिखे हैं। आपने युवा पुरस्कार अकादमी रो मिलियोड़ो है, राजस्थान अकादमी रो, इन्हें साथ आपने कमला गोइन का अवार्ड मिलियोड़ो है आपने, और भी बहुत सारा अवार्ड आपने नाम माते भी है, और राजस्थानी की बहुत ऊर्जावान लेखिका माने आप रो नाम शुमार है, तो मैं आपने इंट्रोड्यूस करूँ रीना जी। एंड थर्ड पैनलिस्ट इज अभिमन्यु सिंह आरा, ही इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, ही इज स्टीफन प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटली ही इज ए अपकमिंग नॉवलिस्ट, इनफैक्ट ही इज वर्किंग ऑन वन राजस्थानी नॉवल बोलीरा हेतालू। Abhimanyu had worked with the Cultural Ministry of Central India, and presently he is working a lot on Rajasthani and especially in on the writing of prose. खास करके novel के बारे में मैं आपसे कहूँगा, novel बहुत इनका area है जिस पर कि ये बात करना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे यंग जब राइटर्स सामने आते हैं तो हमारे सामने आएगी। राजस्थानी में पद्य लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो अगर आप देखते हैं तो वो वहाँ संयोगिता का वर्णन करते हैं कि कुंजर ऊपर सिंह, सिंह ऊपर दो पब्बय, पब्बय ऊपर भृंग, ता ऊपर शशि सुपय, यानी कि एक खूबसूरत तरीके से श्रृंगार का वर्णन पद्य में उस जमाने में, आज से 1000 वर्ष पहले राजस्थानी के जो कवि थे उन्होंने किया। गद्य की परंपरा राजस्थानी में शुरू हुई और वो ऐसा मानते हैं 13वीं-14वीं शताब्दी से, और कमोबेश बहुत लंबे समय तक जो गद्य लिखा गया वो पद्यात्मक था। ऐसा लगता था एक लयबद्ध तरीके से कविता पढ़ रहे हैं आप, वो गद्य का फॉर्मेट था। कालांतर में धीरे धीरे गद्य समय के साथ अलग होता चला गया और आज की तारीख में जो लिखा जा रहा है प्रोज, जो निबंध लिखे जा रहे हैं, कहानियाँ लिखी जा रही है, वो सारी की सारी आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बराबर हमारा लिटरेचर राजस्थानी का खड़ा है। और खास करके जो अभी हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट हैं वो गद्य लिखने वाले हैं, कथाकार हैं, कहानी और उपन्यासकार हैं ये लोग। एक मुझे कथन याद आता है महेश कटारे का, वो कहते हैं कि कविता दिल में उतरती है लेकिन कहानियाँ छीलती हुई निकलती है, यानी वो कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सा झंझावत पैदा करती है आप में, जो आपको सोचने को मजबूर करती है, और यही शायद कहानियों की खासियत है, यही कथा की खासियत है। मैं मुखातिब होना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट से, और सबसे पहले मैं बुलाकी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप जब कहानी लिखते हैं तो आप क्या, आपके दिमाग में सोच होता है, क्या सोचते हैं, आपकी कहानियाँ जो है वो क्यों लिखी जाती है और कैसे लिखी जाती है? अरुण जी, ये स्पष्ट हो ही नहीं पाता कि कहानी कब अपने के अंदर पैदा हो जाती है, कौन सी स्थिति, कौन सा दृश्य, कौन सा क्षण एक कहानी के लिए प्रेरित कर देता है, ये कुछ पहले से मालूम नहीं पड़ पाता। और मैं ये मान कर चलता हूँ, जितना मेरा अनुभव है, कि कथाकार चरित्र चुनता है, चरित्र तय करता है, लेकिन बाद में चरित्र कथाकार के हाथ में नहीं रहता, कथा चरित्र अपने आप अपने हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। अब मैं एक बड़ा किस्सा बताता हूँ आपको, मैं कि एक कहानी के जन्म की कहानी बताता हूँ। एक लहसुनी कहानी मैंने लिखी,
तो लहसुन की कहानी के अंदर परसों बरस जब रूस के राष्ट्रपति ब्रेजनेव हुआ करते थे, तब मैं टीवी पे न्यूज़ देख रहा था और साथ में मेरी माताजी भी न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ देखते देखते जैसे ही ब्रेजनेव को देखा, तो शायद आपने ध्यान रखा होगा कि ब्रेजनेव के यहाँ पे एक हल्का सा निशान था। तो माँ ने न्यूज़ देखते देखा कि और लहसुनिया कौन है, मतलब ये लहसुनिया कौन है। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा माँ ये क्या कहना है कि, तो उसके पीछे उन्होंने एक लोक मान्यता उसके बारे में बताया कि यह ऐसी मान्यता है कि जो बच्चा बचपन के अंदर गुजर जाता है और एक माँ को पीड़ा देता है, तो कि माँ ऐसा एक चिन्ह लगा देती है कि बेटे अगले जन्म के अंदर अपनी माँ को पीड़ा मत देना। तो उस रूप में ये माँ ने टीवी न्यूज़ देखते हुए बताया क्या? और फिर मैंने बहुत कहते हैं कि रचनाकार का मन विचलित हो जाता है, तो फिर मैंने इसको लेके एक कहानी लिखी जिसमें कि एक लेखक गांव से बाहर शहर बैठा है और माँ गांव के अंदर है और उसके पिता नहीं हैं, वो संघर्ष कर रही है और करते करते जब माँ का पत्र आता है उसके पास में और माँ कहती है कि बेटे तुम यहाँ पे आ जाओ, तब उसके भी मैंने बताया कि उसके भी एक लहसुन है। तो वो सोचता है तुरंत लेखक कि एक तरफ मेरी पुराने वाली माँ थी, उसने तो ये चिन्ह लगा के बता दिया कि मैंने उसको पीड़ा पहुँचाई है, और एक मेरी ये माँ है जो कि मैंने आज तक इनके लिए कुछ नहीं किया, उसके बाद भी कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने पीड़ा पहुँचाई है, ये कहते बेटा चिंता मत कर हम मिलके काम कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि बहुत बार कैसे कौन सी घटना संवेदना के स्तर पे कहानियाँ रची जा रही है। बहुत सीधी सी बात है कि जो आपने महसूस किया और जो कहीं एक बहुत स्पंदन होता है अपने अंदर, धड़कता है, और वो संवेदना कहीं कहीं कहानी के रूप में बाहर आती है। रीना जी, आपका जो घी का दिवलो है वो काफ़ी संवेदनशील कहानियों का एक उम्दा संग्रह है, तो आपने उसकी प्रेरणा कहाँ से, आपको लगा कि वो संवेदनाएं हमारे आसपास कैसे रहती है कि हम उन्हें कहानी में उतार लेते हैं? नमस्कार मित्रों, सेशन राजस्थानी का है लेकिन संख्या बहुत कम दिख रही है, तो ये बहुत दुख की बात है। हालांकि JLF ने हमको राजस्थानी को भी ये सेशन दिया, ये वापस हमारे लिए गर्व की बात है। अगर ये इतना जल्दी नहीं होता तो शायद संख्या और काफ़ी होती, तो बहुत अच्छा लगता। अरविंद जी, आपके सवाल का जवाब, जैसा कि आपने पूछा कि कहानी कहाँ से प्रेरणा देती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मेरा बचपन गांव में बिता। तो गांव में मैंने मेरे आसपास इर्द गिर्द महिलाओं को देखा, महिलाओं की ज़िंदगी बहुत ही घुटन भरी देखी सुनी, और बहुत मैंने महसूस भी करी कि महिला कैसे अपना जीवन जीती है, कैसे उसके साथ में व्यवहार होता है, और एक महिला होने के नाते ये मैंने काफ़ी करीबी से महसूसा। जैसे गांव में कई रूढ़िवादिता जैसे होती है, अंधविश्वास है, अशिक्षा है, बेटा बेटी में भेदभाव है, आदमी और औरत के बीच में जो अंतर होता है, इन सब की ये पीड़ा मेरे अंदर एक टीस लेके उभरती है और कहानियों के रूप में बाहर आती है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं जो है वो आपके अंदर, चाहे वो वंचित वर्ग को लेकर के है, दर्द को लेकर के, जो हमारे आसपास उगता है परिवार में, हमारे रिश्ते नातों में, वही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लिखने के लिए प्रेरित करती है और हमें वहाँ तक ले जाती है। अभिमन्यु, आप जो उपन्यास पे काम कर रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है माननीय नंद भारद्वाज साहब का अंधार पक, जिसके प्रीफेस में वो ये कहते हैं कि मैं भले ही कवि हूँ और मेरी उम्र क्या है ये मुझे नहीं पता, पर मैं पहले दिन से अपने काम को बहुत गंभीरता से करता हूँ, महज मनोरंजन के रूप में नहीं। और अभी बात यह है कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास घट रही है जिसकी संवेदनाएं हमारे लिखने में कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हैं, तो आप अभी उस पर काम कर रहे हैं, तो आप कैसे उन चीज़ों को देखते हैं अपने आसपास जब उस नावल पर देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आपने अभी अपने वक्तव्य में एक बहुत शब्द, अच्छा सुंदर शब्द प्रयोग में लाया, स्पंदन। तो मैं जब कहानी लिखने में लिप्त होता हूँ तो ये जो स्पंदन है यही रेवरबरेट करता है मेरी खुद की राइटिंग में।
जैसे कि मैं जिस उपन्यास पे काम कर रहा हूँ उसमें मैं एक संवेदना आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं जोधपुर शहर से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो उपन्यास की ओपनिंग लाइन है उसमें भी मैंने जो मेरा मुख्य पात्र है उसका जोधपुर शहर के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में लिखा है, तो उसकी एक संवेदना है अपने शहर के शहर को लेकर। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक पंक्ति साझा करना चाहूँगा। तो उपन्यास शुरू होता है और जो मेन पात्र है, जैसे जयपुर में हमारे गढ़ गणेश है वैसे ही जोधपुर में एक जगह है रातनाडा में गणेश डूंगरी, तो वहाँ पे खड़ा है और वहाँ से बहुत ही एक विहंगम दृश्य आता है जोधपुर शहर का। तो वो पात्र अपने आप से बोल रहा है कि गणेश डूंगरी माथे उभो निर्भय जोधपुर शहर ने टकटकी लगाए निरख रियो हो, मेहरानगढ़ू ले और उम्मेद भवन रे बीच रे मायने फैलियोडो शहर इया लाग रियो हो, ज्यों राजा महाराजावां रे ब्याह में टीकारा थाड़ा रे मायने हीरा जवाहरात परोसियोडो। बहुत सुंदर। तो एडी छोटी छोटी बातें जिन्हों अपने संवेदन मायने आवे और एक स्पंदन अपने मायने आवे इन्हों ने मैं फील करन। बेसिकली आई हैव जस्ट रिटन ऑल दोज थिंग्स विच अ नॉर्मल पर्सन हु एसोसिएट्स विद द जोधपुर सिटी would feel and then convey through the medium of his own narrative. Do you feel that we have to expose those things which are happening in our surroundings and we have to somewhere we have to reflect these all things in our prose or writing? Do you feel that can a writer can change the scenario through writing or not? Exactly, I strongly believe this now that you have asked aur main ho chuke Bulaki ji aur Reena ji bhi in baaton ittefaq rakhela ki ek bahut badi problem aa hai ki Rajasthani language aapa sab to bol rahe hain but aapa bare jaan bolan la to aapa ne maayad bhasha bolan mein laaj avela aur main kathi travel karu Bombay mein ya kathi to koi Rajasthani mile to aapa Rajasthani mein baat nahi karela Hindi mein baat karela और इन दूजो एक चेहरों में और देखियो कि मैं जने विदेश में ट्रैवल करता हूँ लंदन में या कठी वियना में वटे मने अगर कोई सिंघवी या लोडा या कोई मिलता बीकानेर तो वेब राजस्थानी भाषा में बात करता, तो मने आप बात समझ में नहीं आई कि कोई लंदन में बैठा हो तो राजस्थानी में बात कर रही हो और आपा जयपुर जोधपुर में कठी मिला तो आपस में लाज आवे। तो आप जो सवाल पूछे आई थिंक द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज राजस्थानी इज अ डाइंग लैंग्वेज, सो टू to make it reach out to the masses we'll have to write stories, we'll have to write poems which connect with the youth jo apni young generation hai vathe tak aapne language pugavni padela aur edi language likhni padela jo ve bahut easily aur sulabh tarika hum samajh sake jo hai generation ne samajh sake aap baat bilkul sahi ek main yeh baat karna chahun ki abhi aap kya keh rahe ho ki rajasthani bolne wale kam hai लेकिन ये बात मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थानी में जो कहानियाँ लिखी जा रही है जो लिखा साहित्य लिखा जा रहा है वो दूसरे भारतीय भाषाओं से कतई कम नहीं है, लेकिन इसमें आलोचना का पक्ष बहुत कमज़ोर है। अभी मैं सामने आदरणीय नंद भारद्वाज जी बैठे हैं तो इन्होंने एक आलोचना की परम्परा का निर्वाह किया था और अब अगर अपन कहानी आलोचना की बात करें तो अर्जुन देव सार ने या डॉक्टर नीरज दया ने बाद में इस पर काम किया है। जैसे आशय जी मैं आपकी कहानी की बात करूं, आपकी कहानी की बात है तो एक वो कहानी मुझे बहुत अच्छी है, मैं सोचता हूं कि इस तरीके की कहानी कम है, ये उजागढ़ काको, उसमें जी जी मगनबाज एक करेक्टर लिया इन्होंने, उसमें आप देखिए कि वेटनरी डॉक्टर है वो जिस तरह वो कह देता है उसको कहते हैं कि हमें तो अपन उसको गोथा क्या कहेंगे उसको गोथा कहते हैं क्या हाँ जी गोथा यानी कि बछड़ा नहीं बछड़ा पैदा करना है तो बछड़ा डॉक्टर कह देता है कि ऐसा वो उस कहानी को उसमें ऐसा था कि चूंकि कृषि प्रधान राज्य है हमारा तो गाय के अगर बछड़ा होगा तो बड़ा होकर बैल बनेगा और बैल बनेगा तो कृषि में सहायता देगा तो उसके अंदर इन्होंने बाद में एक बहुत अलग तरीके की बात बताई है और जो मगन बा है वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो रोटी के साथ में माचिस की पूड़ी दे दो और उस तरीके से और बाद के अंदर इन्होंने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है कि आप ये जो इस पे पशुओं पे काम में ले रहे हैं क्या पुरुषों पे काम में आ सकता है क्या
तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे जो 6 बेटे हुए हैं उसके पीछे कारण यही है। अब देखिए, अब जो मुझे लगा ना, देखिए एक तरफ लोक मन में या लोक चित्त में या लोक मान्यताएं जो है वो भी कितनी सही हो सकती, वहाँ पे विज्ञान को भी सवाल, विज्ञान के सामने भी एक सवाल है कि क्या इस तरीके की स्थितियाँ हो सकती है क्या। और ऐसी कहानियाँ मैं समझता हूँ कि राजस्थानी के अंदर बहुत हैं, लेकिन वही बात है कि इस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थानी कहानियाँ बहुत ही समृद्ध है, सशक्त है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, आप्तज्ञान नेचुरल है कि आप्तज्ञान जो चला आ रहा है पीढ़ियों से उसकी अपनी एक जगह होती है, और जो साइंस है वो अपनी जगह स्टैंड करता है, और दोनों मिलकर के कोई एक तीसरा क्रिएशन करते हैं। एक और जैसे अभी बुलाकी जी कह रहे थे, मेरीना जी, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आप भी जो आपने तकदीर आँख करके जो कहानी संग्रह है आपका, मैंने पूरा ढंग से पढ़ा उसको, और उसमें भी आप जैसे अभिमन्यु भी कह रहे हैं कि शहर जब दिखता है सामने तो पूरा एक शहर उसका अपना एक विज़न होता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं पाठक के मन तक पहुंचती है राइटर के माध्यम से। आपकी एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसको लिखते वक्त मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या आपका सोच था, जिसमें कि गांव को आपने एलोबरेट किया है बहुत ढंग से कि वो गांव है, उसकी बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को आपने पाठकों तक पहुँचाया, तो उसके बारे में आप जी। बिल्कुल सर, अभिमन्यु सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाहर विदेशों में भी राजस्थानी बोलते हैं लोग और सुनने में आती है, तो ये तो बहुत ही राजस्थानी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आपके जवाब, सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी बात राजस्थानी पे यहाँ बैठे श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि लोगों के दिमाग में एक भ्रांति है कि राजस्थानी कोई भाषा नहीं है, ये सिर्फ एक बोली है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थानी एक समृद्ध भाषा है, इसकी कई बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, जो राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के बाहर और आउट ऑफ कंट्री दूसरे देशों में भी बोली जाती है। तो और विद्वानों ने जैसे इसके लिए कई तत्व निर्धारित किए थे कि इसका कोई भूभाग होना चाहिए, तो राजस्थानी के लिए हमारा राजस्थान का एक निश्चित भूभाग है। राजस्थान हमारे देश का, भारत देश का सबसे बड़ा प्रांत है, और सबसे बड़े प्रांत की धनियानी है राजस्थानी, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी जनसंख्या की बात आती है, तो जनसंख्या में हम अगर बात करें तो 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राजस्थानी बोलते हैं, 4 करोड़ लोग हमारे प्रांत में है, और 4 करोड़ लोग बाहर दूसरे प्रांत में और आउट ऑफ कंट्री वहाँ पर भी बोलते हैं, तो यह भी माइनट ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं हाँ राजस्थानी से बिल्कुल जुड़े हुए। हाँ, अब मैं बिल्कुल आशा जी के सवाल पे आती हूँ। तो कहानी गांव से, मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और लोग तो मेरे रग रग में है, और कहानी कैसे लिखी जाती है, कोई पात्र हमें मिल जाता है, कहीं इधर उधर कोई घटना घटित हुई हम छोटी मोटी देख लेते हैं, वो हमारे दिमाग में चलती रहती है, यूँ नहीं कि कोई घटना है उसको यूँ हूबहू उतार लिया तो वह कहानी बन जाती, नहीं, वह भोजन की तरह पकती है हमारे दिमाग में, कई तरह के उतार चढ़ाव उसमें आते हैं। और जब हम लिखते हैं तो लिखते वक्त ये भी होता है कि हमने जो घटना देखी है वह स्त्री पात्र होता है, लेकिन हमारी कहानी में हो सकता है हमें उसको पुरुष के रूप में ढालना है, तो दिमाग में कई तरह की चलती रहती है। मेरा उपन्यास जैसा कि पोतीवाड़ उपन्यास आया, तो उसमें मुझे नायिका शारदा की, उसका दूसरी शादी करवानी थी, मेरे हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे, ये गवाह हैं इस बात के कि उसकी मैं जब दूसरी शादी करवाती हूँ तो कई दिनों तक मैं डिस्टर्ब सी रहती हूँ कि उसकी दूसरी शादी करूँ या नहीं, उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना बिल्कुल सही करी है, करवाऊँ तो मैं किसके साथ करूँ, क्या उसका कोई प्रेमी बताऊँ या नौकर के साथ करवा दूँ या उसके पिता के द्वारा उसकी कोई शादी करवाऊँ, तो ये मेरे दिमाग में चलता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब रह रही है, इसकी वजह क्या है, तो मैंने उसको मैंने उनको बताया कि मेरी वो जो नायिका है शारदा की, मैं उसकी शादी को लेकर डिस्टर्ब हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब तू अपनी बेटी की शादी करेगी तब तेरा क्या हाल होगा तो मैंने कहा वो तो हो जाएगा, लेकिन यह बात नायिका की है। तो बहुत अच्छा, मतलब एक ये जिस अपन कहानी लिखते वक्त जिस दौर से अपन एक लेखक गुजरता है, एक कहानीकार गुजरता है, ये मैं अपने विचार आपको बता रही हूँ। और मेरे उसमें जैसे कहानियों में पात्र होते हैं, वो अगर किसी पीड़ा से गुजर रहे होते हैं तो वो पीड़ा मैं खुद भोगती हूँ, यदि उनके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो मुझे लगता है वो मेरे ऊपर हो रही है, और यदि
मतलब उनका जो भी उतार चढ़ाव होता है मैं खुद जीती हूँ। वो कहीं ना कहीं लेखक जो है उस पीड़ा से गुजरता है आपका कहना। मुझे हल्का सा कहीं याद आ रहा है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर रेल में यात्रा कर रहे थे, तो बीच में महात्मा गांधी उठ करके और बाहर की तरफ गए और थोड़ी देर से लौट के आए तो गुरुदेव ने कहा कि महात्मा अभी अभी एक कविता का प्रसव हुआ है। तो गांधी हंस के बोले कि मुझे पता था, इसलिए मैं प्रसविका के पास रहना नहीं चाहता, प्रसूता के पास, और मैं उठ के चला गया था। तो मुझे लगता है कि वो दर्द, जब तक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो कहीं है और इसीलिए ये चीज़ आती है, वो दर्द संवेदना के रूप में है, शिल्प के रूप में है, कथ्य के रूप में। मैं एक बिज्जी की कहानी है जो शुरू होती है अलेको हिटलर के, बे पाँचों मिनक हा मिनकरी बोली बोलता मिनकरी हाली हालता। ये तीनों सेंटेंस ये बात बताते हैं कि वो दिखने में आदमी जैसे थे, आदमी की तरह चलते थे, आदमी की तरह बोलते थे, पर कहीं एक धमक होती वो आदमी नहीं थे। और वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थानी कहानियों में जो उभर करके आती है, खास करके आपने अभी जो मरदजात और दूजी कहानियाँ हैं, मुझे लगता है कि संवेदना और शिल्प के स्तर पर आप फरमाएं कि वो किस तरह से इन चीज़ों को परोटती है। जैसा मैंने पहले ही कहा ना कि मैं मान के चलता हूँ कि राजस्थानी कहानी बहुत आगे बढ़ी हुई है, और मैं यहाँ पर एक अपनी कहानी की बात करना चाहूँगा, मरदजात की बात नहीं करके मैं हिलोरो कहानी की बात करना चाहूँगा, जिसको मुझे अति भी बात लगती है कि कन्यालाल जी सेठिया ने उस कहानी को पढ़ते हुए मुझे पोस्टकार्ड लिखा कि इस कहानी ने तुम्हें अमर कर दिया है, जो कि मैंने बाद में कहा कि आप कवि हैं, भावुकता में ऐसा लिख रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा फिर पोस्टकार्ड लिखा कि मैं भावुकता में नहीं कह रहा हूँ, सही मैं कह रहा हूँ कि इस कहानी ने तुम्हें अमर कर दिया है। तो उस कहानी के अंदर एक कहानी कैसे लोक कथा से जुड़ जाती है, ये एक आलोचक बता सकता है कि मैंने कहानी लिखते हुए कभी मुझे नहीं लगा था कि ये कोई लोक कथा से है। जसमल ओडन जो वो कहानी है, तो उस कहानी जब डॉक्टर नीरज दया ने, जिनका भी बिना असल पाई पर साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित हुआ है, उन्होंने जब मेरी कहानी पे बातचीत करनी चाहिए तो उसमें उन्होंने जसमल ओडन को आधार बनाया। उस कहानी में मैंने कुछ को ये रहा कि एक ठेकेदार के बारे में धारणा रहती है कि वो करप्ट होता है, हर मामले में होता है, तो यहाँ पर भी जो मजदूर नहीं है, चिड़िकली करके, तो चिड़िकली के साथ में वो कुछ संबंध बनाना चाहता है और वो मना कर देती है, और वो कह देती है कि अगर मुझे ये कुछ करना होता तो मैं काम करने क्यों आती जी। और पता नहीं कैसे उसको चिड़िकली के प्रति ऐसा रागात्मक रिश्ता बना कि उसके बाद में वो ठेकेदार उधर आए ही नहीं जी। वो ठेकेदार आए ही नहीं और वो आराम से वहाँ काम करती रही। अब एक औरत के मन को मैंने यहाँ महसूस किया, और अंत के अंदर काफ़ी दिन जब ठेकेदार नहीं आया तो वो चिड़िकली एक दिन सोचती है काम करते करते कि कितने दिन हो गया ठेकेदार जी आया को नहीं, कहीं हो गया उसी बारे एक रावत तो किसो करे भाई, मतलब कितने दिन हो गए ठेकेदार जी आए नहीं, एक बार अगर एक बार आ जाए तो कितना बहुत बहुत सुंदर। मतलब कि एक नारी मन भी कुछ प्रेम कर सकता है, क्यों प्रेम शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है। अब इसी कहानी को जब डॉक्टर नीरज दया ने एक इसने जोड़ा, उसमें जसमल और ओडन इनके दोनों की यही बात थी, लेकिन वहाँ पर उसने वो आत्महत्या कर लेती है, लेकिन यहाँ पे आत्महत्या नहीं करके एक औरत के मन को मैंने महसूस करने की कोशिश की, जबकि मुझे नहीं था कि मुझे जब कहानी लिखते हुए कभी भी ये लघु कथा ये लोक कथा दिमाग में नहीं आई थी। तो हाँ अच्छा, इससे ये लगता है ना कि अपन लोक में कहाँ से क्या कुछ ले लेते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता। ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अभिमन्यु, आप जो क्योंकि आप लिख रहे हैं तो जाहिर है हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता का विषय वो है, फिर यंग राइटर्स जो आ रहे हैं अभी, तो क्या आप महसूस करते हैं जो लोक हमारा है वो कहीं ना कहीं हमारे रिफ्लेक्ट करता है हमारे लिखने में, रिफ्लेक्शन उसका हमें दिखता है लिखने में? बिल्कुल, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात कहूँगा कि जो डिफरेंस धोरा और सैंड ड्यून्स में है वही डिफरेंस हमारे लोक और किसी दूसरी लैंग्वेज में है। क्या बात है। तो अगर हमें हमारे तात्कालिक परिवेश के बारे में कोई संवेदना या कोई इमोशन, कोई भाव अगर एक्सप्रेस करना है,
तो वो निश्चित रूप से वो हमारी जो मायर भाषा है या जो मातृभाषा है उसमें सबसे अच्छी तरीके से निकलेगा. ऑफ कोर्स हम दूसरी भाषा में भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जैसा कि आपने कहा वो हमारे लोक से ही वो भाव या वो डायलॉग, कई बार जब हम खुद पात्र से बातें करते हैं और सोचेंगे कि सबसे फिट बात पात्र के मुंह से क्या निकलेगी, तो वो लोक का ही सहारा हमको लेना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं फोक तो आपकी कहानियों का होता ही है उसमें. तो उसमें जैसे पहले राजस्थानी में बातें होती थी, और बातें जिन्हें बात कहता था कि बात कहता, और तो बात जो परंपरा ही जिन माने लोग रात भर बैठता बात करता आपस में, माने एक दूसरे ने हुंकारो देता बात कहता, और अब ये कहानी है. तो किन तरह आप इन्हें फर्क देखो इन दो चीज़ों ने? जो आप, आई एम सॉरी, आप नहीं नहीं आप जोधपुर, जोधपुरी जो हताई है वह बड़ी फेमस है. तो अठे मैं एक और बात मेंशन करनी चाहूँगा, जिन्हें तरफ इशारो रीना मैम भी करियो और बुलाकी जी भी करियो, के अपना टाबरा ने ठाई नहीं है कि अपने कितनी धनी विरासत रहा, अपना मालिक हाँ राजस्थानी लैंग्वेज रहा, 1200 साल रो इतिहास है अपनी लैंग्वेज रो. एंड रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल प्रेजेज फॉर द वीर रस पोएट्री विच वॉज फाउंड इन राजस्थानी लिटरेचर. And he said that amongst all the languages in the world, if you compare the entire corpus of world literature, you can find no other parallel to the veer ras poetry of Rajasthan. So, 1200 saal ro itihas hai, aur apne tabra ne thai nahi hai ki kun apna bada kavi viya hai, kun bada lekhak viya hai. To in parampara aur in virasat ne apne lane jano padela, generation hai unhe vathe tak. Aur of course, जो आप बात कही कि लोग ने भी आपने फील कर, और बिल्कुल उन्नीस तरीके वार्तालाप ने उन्नीस तरीके की थिंकिंग ने आपने पेन और पेपर माते उतारना पड़ेगा. अभी अभी जहाँ आप थिंकिंग की बात कही, अभी आपने जो थिंकिंग की बात कही वो कल हमने यहाँ महसूस किया. कल हम यहाँ पे जो पुस्तक यहाँ किताबें हैं तो देखा कि यंग जनरेशन बराबर किताबें खरीद रही है. अपने एक तरफ कहते हैं कि बच्चों में युवाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है, और कल हमने जैसा देखा लग रहा है कि युवाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति है, लेकिन क्या हम युवा मन को महसूस करते हुए युवा मन पे सोचते हुए लिख रहे हैं क्या? ये बड़ी बात है. और ऐसा मुझे लग रहा है कि अब कम से कम राजस्थानी के कहानीकार, राजस्थानी के रचनाकार है और युवा मन को भी सोच रहे हैं, युवा मन के हिसाब से लिख रहे हैं. जैसे अभी अभिमन्यु सिंह जी जो उपन्यास लिख रहे हैं उसके बारे में इनसे बातचीत भी हुई, तो ये युवाओं को लेके अभी प्रेम कहानी को लेके उपन्यास लिख रहे हैं. तो मैं मान के चलता हूँ कि ये प्रेम कहानी 1947 से पहले की नहीं होगी, ये 2018 की प्रेम कहानी होगी, और ऐसी प्रेम कहानी निश्चित है युवा मन को पसंद आएगी, और ऐसी चीज़ राजस्थानी के अंदर आनी चाहिए. और ऐसा मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि अरविंद जी भी उपन्यास लिखना शुरू करने वाले हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि राजस्थानी में युवा बराबर आ रहे हैं, और युवाओं के माध्यम से जो चीज़ आएगी युवाओं के मन को भाएगी और बहुत ही पसंद की जाएगी. ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. जैसे रीना जी का जो क्रिएशन है जितना भी, और मैं हमेशा बात करता हूँ मैडम से, तो उसमें ज़्यादातर जो एक युवा की सोच है उसकी झलक है. और एक सबसे जो प्रधान चीज़ है रीना जी, खासकर मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, कि जो नारी को लेकर के जो सोच है, क्योंकि अभी आपने कहा कि मैंने नारी मन को उकेरा, मतलब आपने कोशिश की एक तरह से परकाया प्रवेश की कि नारी क्या सोच सकती है. शायद मैं और अभिमन्यु भी ऐसा ही कोशिश कर सकते हैं, पर वो नारी हैं, वो ऐसा सोचती हैं, जो सोचती हैं उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है. कहानी मैं आपकी चाहूँगा उस पर आप ज़रूर बात करें, जिसमें उस महिला का बेटा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी उसको ले जाने के या जलाने के लिए जगह नहीं है, और वो कहीं अपने वहीं फर्श में ही उसकी डेड बॉडी को दबा देती है, और इस तरह की कहानियाँ. तो ये इस तरह की नारी संवेदना की कहानियाँ आपके परिवेश के साथ कहीं लोक भी जुड़ता है आपके साथ? जी सर, बिल्कुल. जो कहानी आपने बताई वो हिंदी की कहानी है वैसे जी, और लोक तो जुड़ा हुआ ही है ये, क्योंकि लोक के बिना तो लेखन ही अधूरा है मेरा. लोक जब तक मेरी रगों में नहीं उतरेगा तब तक मेरे लेखन में वो रस नहीं आएगा. तो जैसा कि लोक पहले लोक कहानियाँ सुनी जाती थी सिर्फ, और उसके बाद में धीरे धीरे लोक साहित्य लिखित रूप में आने लगा, लिपिबद्ध होने लगा, तो लोक साहित्य के रूप में आया.
थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि विजयदान देथा, क्योंकि जो मेरी प्रेरणा रहे मेरे जी, लेखक जी। मतलब प्रिय लेखक रहे राजस्थानी के, तो विजयदान देथा बीजी का सराहनीय काम है, इसमें बहुत ही उल्लेखनीय काम है लोक को लिपिबद्ध करने का। मैंने एक जगह पढ़ा, मुझे पढ़ के इतना ताजुब हुआ, आप भी आश्चर्य करेंगे, कि विजयदान देथा और कोमल कोठारी जी के स्टूडियो में 10,000 घंटों की लोक कथाओं की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो ये बहुत ही गर्व की बात भी है और आपके लिए जानना भी जरूरी है, जिसको नहीं पता वैसे ज़्यादातर जानते होंगे। और लोक की, मैं अपने लोक की बात, जैसे बात आपने पूछा वो बात मैं करूँगी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना मेरे भीतर आती है लिखते वक्त। तो मैं शहर, फिलहाल मैं 20 सालों से मैं शहर में हूँ, बचपन हालांकि गांव में बीता, मेरा प्लॉट शहर के किसी कोने से कटता है, लेकिन उसमें मैं जो भी परंपरा है, किसी की मौत हो जाती है तो उसका जो दाह संस्कार करवाती हूँ मैं, मतलब मरणोपरांत की जो रस्में हैं उसको करने के लिए मैं उसको ठेठ गांव तक घसीटती हूँ, गांव तक ले जाती हूँ। कहीं शादी ब्याह का कोई है तो उसका ब्याह में मैं सारी रस्में मैं अपने लोक से जोड़ के करती हूँ, उसमें गीतों का प्रयोग होता है, जैसे मेरे उपन्यास में भी हुआ है, नायिका की शादी होती है तो उसमें लोकगीत गाए जाते हैं, कहीं लड़के की शादी है तो बनड़े गाए जाते हैं, लड़की की शादी है तो बनड़ियाँ गाई जाती है। क्योंकि राजस्थान की ये जो धरती है ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, लोक और संस्कृति, इसमें क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि लोक से ही हम साहित्य आगे बढ़ा है, अगर लोक की जो ये कहानियाँ नहीं होती, ये सब विलुप्त हो जाती तो शायद साहित्य आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी भाषाओं में भी अपन कह सकते हैं, सिर्फ राजस्थानी की नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो जहाँ जैसे लोक की बात अपने चली और ये था कि एक चीज़ जो है वो परंपरागत तरीके से ट्रांसफ़र होती है हमारी जनरेशन्स में, बात थी पहले बात से अब कहानी पर आए हम, और कहानी बात जो थी वो एक समूह चाहती थी, बात अकेला नहीं हो सकता, कहानी नितांत अकेलापन चाहती, मीन्स और राइटर जो है वो ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी समवेयर, ही इज़ ऑल्सो बिलोंग टू सम काइंड ऑफ इज्म और थाट्स और एक काइंड ऑफ स्ट्रीम। सो व्हाट डू फील अभिमन्यु दैट this kind of philosophy is there when we are writing something, means philosophy overcome us as writer, or no, as a writer we are different than our philosophy? No, I think as a writer we are always entwined with the philosophy that we have or the philosophy that surrounds us. Means whatever us. We our thoughts are there, those things reflect in our writing. Exactly, also. Exactly. I strongly believe this, and like you said, a writer is a part of the society. So, in fact, whatever we are discussing right now is also coming out of this societal reality that amongst the young generations, there are very few people who take pride in speaking Rajasthani. So, even when you sit down to write, the folk or the lok, as you have mentioned, wo jhalak hi jata hai hamari writing mein. And main aapko meri writing ka agar example doon, to what I can tell you is that in my stories, the characters, they are rediscovering the folk. जो लोक है, जो लोक परंपरा है, अब अगर आप विजी ने पढ़ा तो विजी रे स्टोरीज रे मायने नाग है और नाग जुड़ी उड़ी खूब सारी लोक परंपरा है, पर सब चीजें 70s और 60s रे बॉर्न लोगों ने तो उठा है, तो मारा पात्र उन फोक ने और उन लोक ने वापस रीडिस्कवर कर रहा है। जो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इन द पार्ट ऑफ राजस्थान कॉल्ड गोडवार देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डांस फॉर्म कॉल्ड गैर, तो गैर तो मारो जो कैरेक्टर है वो घूमने जावे रणकपुर में, और जो एक टूरिस्टी गैर है वा नहीं देख, और एक गांव में मायने जावे और बट एक्चुअल जो गैर वे जो लोग रमे वा देख रहे हो, एंड ही इज सो मतलब ही इज सो एन्चेंटेड टू सी दैट डांस फॉर्म बीइंग परफॉर्म्ड इन इट्स प्योर एंड प्रिस्टाइन फॉर्म। तो मारी कहानियां रे मायने जो पात्र है वो लोक रे हाथे एक नयो रिश्तो बनाए, रिश्तो कायम करे, मतलब लोक तो कठिन कठिन आपन रिफ्लेक्ट करे ले, जो विनो आप अलग वे ने कोई कहानी आप नहीं देख सको। जो अबार में क्यों आपने कहानियां जो है वे कठी छीलती निकले आदमी ने, और वो छीलन जो है वो आपने कई बार व्यंग रूप में, चुभन रूप में आपके सामने आवे। सांवरदैया एक बड़ो नाम मैं आपने बता सकूँ जो राजस्थानी मायने जो व्यंग जो है कहानियां, वे कहानियाँ बहुत व्यंगात्मक तरीकों कठिन कठिन आपने टच करें, और ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि बुलाकी जी के बहुत सारे व्यंग हैं राजस्थानी में। तो सर ये चुलबुलाहट जो है चुभन वाली, ये कहाँ से आती है,
अचानक से कहानी लिखना, जैसे रीना जी ने कहा बहुत संवेदनशीलता नेचुरल है कि परिवेश में इतना दर्द है तो वो कहीं आपके उसमें उभरता है। अभी उन्हें कह रहे हैं कि जो लोक है उससे हम कोरिलेट करना चाहते हैं नई चीज़ को, पर आप पिन चुबा देते हैं अचानक से, तो ये कैसे होता है? जहाँ अपनी संवेदना छींचती है जी, तो पिन चुबाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? अपन देखते हैं जो विसंगतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, विषमताएँ हैं, उनको देखते हुए लगता है कि इन पे अपन संवेदित रूप से लिखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आ पाएगा। ऐसा लिखें जिससे कि समस्या वो सामने भी आ जाए और जो संबंधित उसका संबंधित जिसको नायक है उसको भी लगे कि लिखा तो हम पे है, और फिर भी उसको तिलमिलाहट हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, अंदर गुस्सा हो उसके। क्योंकि व्यंग, मैं सोचता हूँ व्यंग सबसे मुश्किल विधा है जी। व्यंग सबसे मुश्किल विधा है। हाँ, हास्य लिखना ज़्यादा आसान है, व्यंग के अंदर अपने को गहरे उतरना पड़ता है। और जो समाज से मारे भी और आवाज़ भी नहीं हो, दोनों बात। हाँ, जो मारे भी और आवाज़ नहीं आए इस तरीके से, और राजस्थानी के अंदर व्यंग भी बराबर लिखे जा रहे हैं। और हास्य की परंपरा तो बहुत अच्छी रही, हास्य व्यंग का पुट करके राजस्थानी बहुत लिखा गया है, और अभी व्यंग विधा भी बराबर राजस्थानी के अंदर आ रही है, काफ़ी है, उससे उम्मीद रख रहे हैं। और ये अभी ये भी मान के चलते हैं अपन, अभी व्यंग विधा बहुत ही लोकप्रिय है। अब हिंदी के जो अखबार हैं उसमें लगभग हर एक का कॉलम व्यंग में रहता है, और राजस्थानी में भी कभी अखबार शुरू होगा तो व्यंग कॉलम जरूर रहेगा रहेगा, उसके बिना तो व्यंग अखबार हो भी नहीं पाएगा। राजस्थानी में चूंटियों वर्णों तो वो तो निश्चित तौर पर ठेकरी बने उड़ रहे हैं, चूंटियों बोलता ही रहता है जी। हैं जी, हाँ, तो मेरे को चूंठियों बढ़ने में मज़ा आवे ही, हर एक ने चूंठियों बढ़ने में मज़ा आवे, और चूंठियों बढ़ना भी चाहिए। हाँ सही है, चेतावनी रहा चूंठिया, अगर जो चूंठिया नहीं बहता तो दरबार अंग्रेजा उठे जाया तार बात ही अलग बिजाती, रिश्ते इतिहास ही बदल जाता पूरा। बता रहे चाहे एक को बताऊँ आपने, में जो हमारा पूंगी करके व्यंग है, बीरमा ने पहलो वाक्य हुई है साब और सांपरी राशि एक है। अच्छा, मतलब साहब और साहब की राशि एक ही क्या? तो यूं करके बाद में शुरू होता है। और कैसे सरकारी व्यवस्था के अंदर जो बड़े बाबू हैं साहब को पुंगी बजा कर अपने कब्जे में करते हैं, उसको लेके मैंने उसको लिखा। तो इसमें बहुत बार अपन एक कथा को लेते हुए, और उसमें एक बार ये भी बड़ा जो साहब कह रहे हैं अरविंद जी, तो ये भी बड़ा रोचक प्रसंग रहा। जब मैं ये जो इस किताब का लोकार्पण हुआ था तो लोगों ने ही मांग की थी कि पुंगी आप व्यंग पढ़ो, मैंने पुंगी व्यंग पढ़ी। और संयोग से जहाँ मैं नौकरी करता था, मेरे अधिकारी जो आरएस अधिकारी थे वो आरएस अधिकारी भी वहीं पे थे तो शुरुआत में मैंने वैसे ही पढ़ा, और पढ़ने के बाद में जिन्होंने आयोजन किया था, अच्छा मुझे ये कहना पड़ा कि भी अभी जो ये अधिकारी आए हैं उससे पहले मैंने 10 साल 5 साल पहले लिखा था ये यूं के मैंने कर दिया। और बाद में ये भी आयोजकों ने ये भी बड़ी कारस्थानी किया, आखिर व्यंग का कार्यक्रम था जी। कार्यक्रम खत्म होते ही पहले पाठक के रूप में उन्हीं को बुलाया गया। अच्छा, क्या आप पहले पाठक के रूप में बताएं? तो उन्होंने भी बड़ी मजाक में कहा, क्योंकि वो साहित्यिक रुचि के थे, कि बुलाकी जी अगर आप ऐसा नहीं भी कहते तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये मान के चलता हूँ कि ऐसा होता है। तो यूँ करके बहुत बार बड़ा मज़ा भी आता है इसके अंदर। बहुत सही सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे ही मौके पर और खास करके जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि सामने अधिकारी बैठा हुआ और आप जब कहते हैं सांप और साहब में वो रिश्ता होता है तो निश्चित ही मुश्किल पड़ जाती है। पर यही चूंटियां भरना है सब, यही व्यंग करना है, इसी पे बात होती है। और कहीं ना कहीं परिवेश में ये सारी चीज़ें हम भुगतते हैं या देखते हैं, इसीलिए ये चीज़ें हमारे आमने सामने आती है। जैसे खासकर रीना जी जैसा कह रहे कि गाँव से हैं वो और फिर अब शहर है, वो जिस उम्र में आ रही है जो शहर के पाठक हैं, जैसे अभिमन्यु बता रहे थे कि किस तरह से वो शहर के पाठकों से सीधा जोड़ते हैं लोग को, तो आपको जो गांव ने दिया उन चीज़ों को आप कैसे परोड़ती हैं अपनी उन कहानियों में, जब आपके शहर का माहौल आप अपनी कहानियों में रखती हैं? सर देखिए, शहर में आने से शहरीकरण का तो प्रभाव काफ़ी हुआ है हालांकि कहानियों पर, लेकिन जहाँ मोबाइल बताना है वहाँ मोबाइल बता देती हूँ, टेलीविज़न का जहाँ प्रयोग करना हो टेलीविज़न बता देती हूँ। लेकिन जो बात मुझे लगती है कि यहाँ गांव लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, गांव की बात को लाना चाहिए, उसको तो मैं
लाती हूँ, रखती हूँ अपने पाठकों के सामने। और मेरे कई पाठक ऐसे भी हैं जो मेरी कहानियाँ इसीलिए पढ़ते हैं कि आपकी कहानियों में लोक झलकता है, संस्कृति और लोक से है ना वास्ता है और ये जुड़ी रही हैं आप। अभी मैं कुछ ही दिन पहले आदरजोग पंड्या जी अब हमारे उदयपुर के एक कवि हैं, उन्होंने कहा कि रीना तेरी कहानी मैं इसीलिए पढ़ता हूँ कि इसमें लोक झलकता है। तू भले शहर आ गई है लेकिन तूने अपने गाँव की जड़ों को नहीं उखाड़ा, तो गांव से मैं जुड़ी हूँ, गांव की उस जमीन से जुड़ी हूँ। हाँ। तो निश्चित तौर पे वो परिवेश आपको कहेंगे। एक और बात, जैसे अभिमन्यु आप लिख रहे हैं और खास करके अभी आप यंग हैं, राइटर हैं, तो बाल कहानियों से शिफ्ट होते हैं सारे के सारे पाठक जितने भी अपने, तो आपको क्या लगता है क्या फ़र्क उसमें महसूस होता है कि जो अभी जनरेशन है, जो कल्चर है, वो कल्चर अलग तरह की है निश्चित तौर पर, टेक्निकल टेक्नो वो युग है, पूरा तकनीकी युग चल रहा है, और अभी की कल्चर है वो डिफरेंट है, तो आप क्या सोचते हैं लिखते वक्त जब करेक्टर्स को आप खड़ा करते हैं तो आप उनके बैकग्राउंड को लेकर के आपकी सोच क्या रहती है उस वक्त? मेरा ये मानना है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो थोड़ी सी भटकी हुई है, बट हम उन पर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं कि उनमें भावनाएं नहीं है। बहुत ही बेचारे मार्मिक और मर्म दिल वाले यंग जनरेशन है, बट दे आर मिसगाइडेड। तो बस एक जैसे घोड़े को हल्की सी एड़ी लगानी पड़ती है, वैसे एक उनको हल्की सी दिशा देने की जरूरत है। जैसे शहरीकरण और लोक भावना की बात चल रही थी, तो उसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं शहर से, मगर वही भावनाएँ वही स्पंदन उनमें भी हैं, और अपने अपने शहर से एक बड़ा ही मार्मिक और गहरा रिश्ता जोड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने मेरी ओपनिंग लाइन में भी बताया, तो जोधपुर का मैंने एग्जांपल दिया, और भी मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। कई लोग आप में से यहाँ बैठे होंगे, बिराजे होंगे, जो पुराने जयपुर से एक ताल्लुक रखते हैं। अब हमारी जिंदगी बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत फास्ट हो चुकी है, मगर आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए अपने आप को, आप 80 के दशक के जयपुर में लेके जाइए, तो वही आपको बापू नगर दिखेगा, लो लाइंग घरों वाला, कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। ये वो जयपुर है जो शिक्षा संकुल पे खत्म हो जाता था। तो और ऐसे कुछ लोग हैं जिनका उस जयपुर के साथ एक रिश्ता है, या अगर आप उदयपुर की बात करें तो बहुत ऐड़ा लोग है जिनारो उदयपुर की पुरानी हॉस्टल रहते एक रिश्ता है, फतेह सागर की पाल रहते एक अलग तरह रिश्ता है। तो टू सम इट अप, व्हाट आई विल से इज कि चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पीड में बदल रही है, तो अपनों एज ए राइटर काम बस इतना सो है कि राजस्थान की जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उन्हें हल्की सी घोड़ा वाली एडी दे और वाणी भावना में टैप करन, उनारा जो रिश्ता है, उनारा जो संबंध है, उन्हीं बात करा, वह अपने शहर ने की कर देखे, वह अपने गांव ने की कर देखे, वह अपने आस पास परिवेश में जो चीज़ें बदल रही है बहुत रैपिडली, उन्हें की कर फील कर रहे हैं, वो सब लिखने Cluster the young generation through our writing. Whatever is there in this techno society, technocrat society, we have to put some morals, some kind of folk, some kind of the tradition, some kind of the culture there, and then we can push towards the young generation. Then they can go exactly. This is just the central crux of my writing. It's very surprising that, like I mentioned before, also people of Rajasthan who leave Rajasthan. Yeah. They are more sensitive to the culture, to the language it. than people yeah. who are residing here. Like Bombay ra friends jo hai, jo MBA kar and whate naukri kar raha hai, ve matlab literally mane matlab olu kare ke yaar hatairi bahut yaad aa rahi, rate koi minaki ko nahi hai, puchhan walo hi ko nahi hai, aur ve gapan aur ve baatan katu kara, to apno o kaam veno cheez hai ki inne beech mein jo gap hai unne aap se fill karna, bahut bahut khoobsurat baat kahi hai maine, aapki gap fill karna bahut zaruri hai, aur gap jo generation के बीच में आए गए है, और जटा तीन आप जो बात की कि यंग जनरेशन ने आप टैप कर रहे हो, और यंग जनरेशन वह है जो एक चाइल्डहुड विनिमान एडल्सेंट एज रे माने ट्रांसफर किया करे। मैं बोला कि जी आपने आप बात जरूर पूछना चाहूँ, क्योंकि आपकी बाल कहानियाँ भी है, और आ एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाल मन ने समझना सब मुश्किल काम है। मैंने आज तक ही नहीं ठा पड़ी हो कि एक 3 साल और टाबर जिन टाइम टीवी रहा हमें बैठे, कार्टून नेटवर्क रहा हमें, कार्टून चैनल रहा हमें, और वो एक घंटों लगातार देखते रहे बिना किन इरिटेशन, तो आखिर वे लोग एडो कहीं करे जादू कि टाबर विनमान ने शिफ्ट वे सके। तो आपकी बाल कहानियाँ भी बहुत जोरदार है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँ कि आपकी कर साइकोलॉजी ने मैनेज कराओ आप बच्चों वास्ते लिखनो पर का या प्रवेश है, आपने खुद बच्चों बनना पड़ती है, अपने को बच्चा बनना पड़ेगा तब हम बच्चों के लिए लिख पाएंगे। जी। बहुत बार होता क्या है ये बताऊं कि मुझे मेरे
जो नाती हैं पोते हैं उन्होंने मेरे से बाल कहानियाँ सुनवाई। छोटे होते हैं वो कहते हैं दादा कहानी सुनो या कहते हैं नाना कहानी सुनो, तो उस वक्त मैं कुछ कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को वो खुद डेवलप कर देते हैं कि नहीं नहीं कि इसने इस रूप में होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों जो आप बता रहे हैं कि बच्चे आज से कितने आगे बढ़ गए उसके बारे में छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। जो अपन ये कहते हैं ना कि वो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे वाली बात है, तो मैंने वो कहानी सुनाई अपनी दोहिती को कि बाद में केवल अंगूर के उसने देखा कि अंगूर खट्टे हैं कि उसने वो जंप लगाई, जंप लगाने के बाद अंगूर हाथ में आया नहीं, तो वो मेरी दोहिती उसमें जोड़ती है कि नहीं नहीं नाना आप गलत कह रहे हैं। कि क्या हुआ कि बाद में उसने ऐसा किया कि एक पत्थर लाई, पत्थर ला के उस पर वो चढ़ गई, चढ़ के बाद में अंगूर तोड़ लिए उसने, फिर मालूम पड़ा अंगूर खट्टे नहीं अंगूर तो मीठे हैं। अब बताइए आप अपन कहानी कैसे लिख पाएंगे जो बच्चे अपने से कहानी लिख पाते हैं। तो मैं उनकी सोच के साथ निश्चित तौर पे नई जनरेशन की सोच के तो साथ मैं जब ऐसे जब कहानी कोई लिखता हूँ तो बच्चों को सुनाता हूँ और बच्चे खुद कह देते हैं कि नहीं ये कहानी परफेक्ट होगी तो मैं मान के चलता हूँ परफेक्ट है, फिर कितना ही बड़ा समीक्षक कह दे को खारिज करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बच्चों के लिए कहानी लिखी हुई है तो बच्चे परफेक्ट करने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे मेरे से कहानी लिखाते हैं और आज भी ये खुशी की बात है कि मेरे पोते मेरे से पहले कहानी सुनते हैं, टीवी जरूर देखते हैं वो टीवी के, लेकिन उस कहानी को आगे वो बढ़ाते हैं बहुत, बहुत उसके अंदर वो अचानक वो कभी वो शिवा बन जाते हैं कि भाई शिवा बन के मैंने ऐसा किया, तो ये सब कुछ इसलिए जरूरी बात है कि बच्चों के बीच रह के बच्चों के लिए लिख सकते हैं अपन जी। और बच्चे वो नहीं थे कि एक और राजा एक ही रानी दोनों मर गया खत्म कहानी, ऐसा अब वो बच्चे नहीं है। एक एक जैसे लेखक के रूप में भी ये होता है कि हम लोग भी उम्र के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं अभी अपना एक वो देना चाहता हूँ कि मेरा एक उपन्यास 2006 में मैंने लिखा था और अब मैं सोच रहा था कि उसको वापस मैं ले जाऊँ पब्लिशर के पास, तो मैं बैठ के देख रहा था कि उसमें क्या क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए, मुझे लगा तो बहुत बचकाना है। तो क्या ऐसा आपको भी लगता है, रीना जी अभिमन्यु आप तीनों हैं और बहुत उम्दा राइटर हैं आप लोग, तो क्या 10 साल पहले या 5 साल पहले 7 साल पहले जो कुछ लिखा क्या आपको लगता है कि अब जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है तो उसमें कुछ फ़र्क लग रहा है और कुछ चेंजेज होने ज़रूरी हैं? बिल्कुल सर, बेशक आपने जो कहा बिल्कुल सही है। 2010 और 11 में जो मेरी कहानी संग्रह मेरे आए सामने, अब उनको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कचरा है, कुछ भी नहीं। ऐसा मत कहिए। नहीं सर बिल्कुल कचरा तो नहीं, नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है संतोष भी शायद यात्रा का कारण होता है। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में लिखी हो कोई कहानी है या दिमाग में आते तुरंत उन्हें लिख ली हो जी, है ना। तो कहानियों के लिए उसे अब जो मैं मानती हूँ कहानी है कोई घटना है अपने दिमाग में उसको पकाने की जरूरत है, जब तक वो पक के पूरी तरह पाठकों के सामने नहीं जाएगी वो कहानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दर्शन हमारे अंदर एक फिलॉसफी होती है और वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर हावी रहती है कि हम जो लिखते हैं वो हमारी सोच उसमें परिलक्षित, और सोच जो मैच्योर होगी नेचुरल है कि लिखने में भी हमारे कहीं कहीं फर्क जो है वो आता रहेगा। मैं बहुत सारी बातें और आपसे करना चाह रहा हूँ, वक्त बहुत कम इजाज़त दे रहा है, थोड़ा सा समय हमारे पास है सवाल जवाब के लिए और मैं मुखातिब हूँ आप सबसे कि आप बात कर सकते हैं प्लीज़। हेलो सर, अभिमन्यु सर से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान जो साहित्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर जैसे देश में पहचान जो होनी चाहिए थी वो अभी तक हो नहीं पाई है, इसके लिए आप राजनीतिक उदासीनता मानते हो या फिर साहित्यकार में कहीं ना कहीं कोई समस्या है, इसके बारे में आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हो कि साहित्य को कैसे बढ़ा जाए और राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक सशक्त साहित्य के रूप में अपन उभार सकें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हाँ आप इस पर हुक्म। मैं एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी विडंबना है कि राजस्थान के साहित्य की जो महानता है वो सिर्फ राजस्थानियों को ही नहीं पता है, पूरे विश्व को पता है, बंगाल में पता है, गुजरात में पता है, तमिलनाडु में पता है। भारतीय विद्या भवन की एक सीरीज निकली थी 1950s में जिनमें महान कवियों का संग्रह है, जैसा कि मैंने आपको टैगोर के बारे में बताया है। इनफैक्ट आप सरप्राइज्ड होंगे कि यूनिवर्सिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दे हैव चेयर्स डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ लोकल लैंग्वेजेज एंड राजस्थानी इज वन ऑफ देम। और कोई मैं चाहता हूँ इसमें हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ राजनीति पे ढोल देते हैं, ये इट इज़ अ मैटर ऑफ इमोशंस, इट इज़ अ मैटर ऑफ अपना, आप बंगालियों को देखिए अपनी भाषा से कितना प्यार करते हैं जी। तो हम लोग बहुत ही निर्मोही लोग हो चुके हैं, वी डोंट लव आर लैंग्वेज, वी डोंट लव आर सॉइल, कोई इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है।
इसमें भावना की बात है, खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा, फील करके आप आज घर पे जाके 10 लोगों से मारवाड़ी में बात कीजिएगा। टाबरा ने जो अपना शब्द वे फ्रूट्स का शब्द वे जो आप बात करा वह राजस्थानी में बोलने की जरूरत है, और टाबरा ने बताने की जरूरत है कि व्हाट अ ग्रेट लेगेसी वी हैव। अबुल फजल जिन आईने अकबरी लिखी है उसने मारवाड़ी को थर्ड नंबर पे रखा कि रिच लैंग्वेज, जो आपने जनसंख्या की बात की कि कितने लोग राजस्थानी बोलते हैं, तो 16th सेंचुरी में ये इतनी महान लैंग्वेज थी, तो हमको बस इस विरासत को पास ऑन करना है। जी बिल्कुल, एक आखिर में पैदल ने खूब खूब धन्यवाद, लेकिन एक शिकायत है कि मारवाड़ी की बात तपा हिंदी ने अंग्रेजी में करता रहा। हाँ। खास करके अभिमन्यु ने धन्यवाद दूँ कि वे मारवाड़ी ने जीवती राखी हटे। दूसरी बात, आप मारवाड़ी नहीं बोलो तो लोग खटा थी बोले जी, लोग तो आप बोलो तो मन ही लगे कि भाई बुलाकी जी बोल रहे हैं तो मोरी इज्जत की बात है। और बिल्कुल बिल्कुल सही, सवाल वो है कि बाल साहित्य बहुत राजस्थानी में है और सीनियर साहित्य तो कभी है ही नहीं, पर एक जो को दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ साहित्य रमाए है वह एडोलसेंट या यंग एडल्ट लिटरेचर, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड है, और वो ट्रांजिशन पीरियड रमाए मारे ख्याल राजस्थानी में बहुत कम मटेरियल है, और इन वजह शायद जो ट्रांजिशन में आप खो जावा बिल्कुल कोई लिटरेचर मार्कर नहीं बन रही है, और टाइम है कि आप जो फरमा रहे हो ट्रांजिशन पीरियड के वास्ते अगर कहीं लिखा ला तो निश्चित तौर आज जनरेशन जो है बिना हाथे हाथे आगे बढ़ सके, और एक बड़ो गैप है इनमें जरूर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक आखिर में एक लास्ट में एक बार दे दें। मेरा अभिमन्यु सर से क्वेश्चन है कि आरपीएससी में 2010 में जो आरएस का पैटर्न चेंज किया गया था उसमें पाली के जो चेयरमैन थे एमएल कुमार साहब जी, उन्होंने भाषा लैंग्वेज के पेपर में 20 नंबर की राजस्थानी भाषा रखा था, और वो परीक्षा 2013 में पहली बार हो पाई, और उससे ये सामने आया कि पश्चिमी राजस्थान के जितने भी लड़के थे उनको प्रॉपर प्रशासनिक सेवा का एक मौका मिला राजस्थानी भाषा के ऐड होने के कारण। तो मैं चाहता हूं कि जब राजस्थानी भाषा को राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में एक बार मौका मिला, इसके बाद उसको अवॉइड कर दिया गया कि वापस अंग्रेजी का वेटेज वो बढ़ाया जाए, तो जब राजस्थान के लोग इस चीज़ के अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट अवेयरनेस नहीं है, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आगे नहीं आ रहे हैं, तो ये सर कहीं ना कहीं हमारी एक बड़ी खामी है। अगर राजस्थान सवाल क्या है आपका सवाल, सर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में राजस्थानी भाषा को वेटेज मिलना चाहिए, इसके साथ साथ यूपीएससी को भी मिलना चाहिए। मैं अभिमन्यु सर से जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं। अधिक हाँ, मैंने आप जवाब दें बिल्कुल एड होए भाई, राजनीति और आरपीएससी और यूपीएससी फचड़ा में मत फंसो, मारो सिंपल सी बात आ है कि घरे जाए घर में बोलो, कुदरे मायता हूँ कुदरे टाबरा हूँ, मारवाड़ी में बात करो मारवाड़ी में पढ़ो, और जो मन री बात है वह कहो फचड़ाबाजी में फंसो ला, तो जो अब हाल है राजस्थानी वो ही रह ला अगला 100 साल तक। बहुत अच्छा लगा राजस्थानी लैंग्वेज के बारे में जानकर। मेरा सवाल अभिमन्यु से है कि क्या आप जब राजस्थानी भाषा में लिखते हैं अपने पात्रों से ज़्यादा जोड़ते हैं, और इज़ इट लाइक व्हेन यू राइट इन योर नेटिव लैंग्वेज यू आर डीपली कनेक्टेड टू योर क्राफ्ट, यू आर मोर सेंटिमेंटल अबाउट द सेंसिबिलिटीज ऑफ द ट्राइब, एंड सेकेंड इज़ हैव यू टेकन अप द टॉपिक ऑफ विडो रीमैरिज इन एनी ऑफ योर राइटिंग्स? गुड क्वेश्चन सादिया, नेचुरली द सेकेंड वन इज़ द पार्ट ऑफ आर सोसाइटी एंड इट्स काइंड ऑफ सोशल इविल विच वी हैव टू वॉश आउट। My one of the novel for which I was talking you, and that's absolutely on the child widow and widow remarries. और भी राजस्थानी में जैसे आप बताएं विभिन्न कुछ आप जवाब देना चाहते तो। I'm really sorry, I couldn't get your first question. She's ये कह रही कि आप राजस्थानी में आप करेक्टर से ज़्यादा। Definitely, that's what I also mentioned during my talk, because when you are expressing certain emotions or like I said certain relationships, then the most potent form of your expression would be in your own language. There's a very famous international thinker, Ernest Gellner. He says that you can sleep with anybody, but you can fall in love with only a person who speaks your own language. So when something comes out of your own heart, then the most potent and the most forceful form of expression is in your mother tongue. Correct. So if there is somebody who's speaking in Rajasthani in my novel, then all those things will
come right from the state of his heart. मैं एक बिजी ने जो बात कही थी वो आपको बताना चाहता हूँ. उन्होंने कहा था कि राजस्थानी में लिखना मेरे लिए ऐसा है जैसे मछली का पानी में तैरना, मछली के लिए पानी में तैरना. तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अपने करेक्टर जो राजस्थानी बोलते हैं हमारे ज़्यादा करीब हमें महसूस होते हैं, ज़्यादा हम उनसे जुड़ जाते हैं. जी आप सवाल करें. जी थैंक यू. पिछले साल भी एक यहाँ सेशन हुआ था राजस्थानी पर और मैंने याद सर एक मिनट बाकी सवाल करें आप. हाँ मैं सवाल पर याद हूँ तो उसमें ये सवाल उठा था जी. मैंने याद है कि पार्लियामेंट के सामने राजस्थानी ने राष्ट्रीय भाषा को दर्जो देने की बात हुई. मुझे लगता है सर इस पे तो, बात नहीं एक मिनट अपन ऐसा करें कि समय बहुत कम है राजस्थानी. मुझे आप सवाल ही नहीं करने सर ने जो सर मेरी बात मैं, आप दो मिनट तो आपने ले लिए सर. प्लीज स्पीकर को भी रिस्पेक्ट. आप सवाल कर जल्दी सवाल कर ले सर. जी सर तो उसमें बात उठी थी उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या स्टेटस है. नंबर दो कई बार जब लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती है कई प्रदेशों में जी, जी. तो उसके आधार पर एक लैंग्वेज शोवनिज्म भी होता है जी. और पूरे देश में राजस्थान की प्रशंसा होती है कि यहाँ लिंग्विस्टिक शोवनिज्म नहीं है. तो ये भी एक दूसरा पहलू. थैंक यू. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. कुछ तरह की बातें हैं जिन पे बात होना ज़रूरी है और निश्चित तौर पे आपने जो अभिमन्यु का मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये संकल्प हम लोगों को लेना होगा अपने घरों में कि हम अगर स्ट्रांग होंगे तो सब चीज़ें हमारे हिसाब से होती चलेंगी. जी ये आखिरी सवाल है उसके बाद अपना सवाल. ये सवाल अरविंद जी आपसे है. आप राजस्थानी और हिंदी के मूर्धन्य लेखक हैं, कथाकार हैं जी. और अभिव्यक्ति को अनुभूति को अभिव्यक्ति में कैसे ढालना है उसमें आप अप्रीतम हैं. मेरा सवाल इससे है कि आपने बहुत समय पहले एक शिवा के ऊपर एक इंटरनेट सीरीज़ लिखा था आपने बहुत समय पहले जी. और बाद में क्या हुआ वो बड़ा बहुत ही अद्भुत सीरीज़ था वैसा मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कहीं भी. और उसके बाद अश्विन सांघी का एक नॉवल आया शिवा ट्रायोलॉजी के ऊपर जो बड़ा फेमस हुआ. जबकि अश्विन सांघी का नॉवल हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए बट वो प्रॉबेबली 5% होगा जो आपने लिखा. तो मेरा कहना है कि क्या कभी कभी ऐसी टीस उठती है कि इंग्लिश में लिखा जाए अंग्रेजी में लिखा जाए और हिंदी में ना लिखा जाए उसको लेकर राजस्थानी में ना लिखा जाए. क्या वो टीस है कभी. जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे क्रिएशन को सराहा कि मैंने अच्छा लिखा था. और देखिए निश्चित ही ईश्वर चाहेगा तो इंशाल्लाह दूसरी भाषाओं में वो चीज़ें आएगी. सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं. देर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल. वी ऑल पीपल आर हॉरिजॉन्टल स्टेज. इन फैक्ट माइट बी अश्विन सांघी और माइट बी अरविंद आशिया और हुआ में भी. तो निश्चित ही अपनी अपनी भाषा में लिख रहे हैं बेहतर वो चीज़ें बाहर आएगी. तो मुझे लगता है कि इट विल गो. थैंक यू जी. थैंक यू JLF एंड थैंक यू टीम वर्क. Thank you so much to all our speakers.